हमें पता कैसे चलेगा जिसका हमें रिश्ता है, लड़के का या फिर लड़की का, वो दीनदार है, अखलाक वाला है, फिर पाकदामन है? देखिए, अब जाहिर है इसका जवाब ना हाशिम भाई दे पाएंगे और ना मैं दे पाऊंगा। जिसका जो अपनी लड़की की शादी कर रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो पता करे, उसके अपने जराए से, अपने तरीके से वो पता करे। उसका ऐसा तो है नहीं कोई एक ही तरीका है। सबसे पहले तो आप देखो कि नमाज पढ़ता है कि नहीं, आप उसके बाद देखो उसका अखलाक कैसा है। खास तौर से ऐसे मामले में जहाँ पर वालिदैन दीनदार नहीं होते और घर के जो बच्चे होते हैं वो अलग ही सो जाते हैं, तो ऐसे मामले में मसला होता है। देखिए देखिए, इसमें कोई आपको शॉर्टकट तरीका कोई नहीं बता सकता है भाई। अगर किसी इंसान के बारे में हमें पता करना है तो जाहिर है वो हमारी जिम्मेदारी है। वो जहां पे जिस माहौल में रहता है, माहौल को देखें, लोगों से इस्तिफसार करें मुनासिब तरीके से। आप देखें नमाज पढ़ता है कि नहीं, बिजनेसमैन है तो कहीं बेईमानी तो नहीं करता है, लोगों के साथ उसके तआमुलात कैसे हैं, ये सारी चीजें देख करके पता लगाया जाता है। अब दीनदारी किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखी होती है, जाहिर है उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा उसके मुताल्लिकीन से, उसके माहौल में, उसके गांव में, घर में, और मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। लेकिन दीनदारी में सबसे पहले आप जो चीज देखें, सबसे पहले आप देखें कि वो नमाजी है कि नहीं, वो नमाजी है कि नहीं, उसका कैसे लोगों के साथ उठना बैठा बैठना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी आदमी को के बारे में जानना चाहते हो तो आप ये देखो कि उस आदमी की दोस्ती कैसे लोगों से है। तो आप उसके दोस्त अहबाब को देखें कि कैसे लोगों से उसके ताल्लुकात हैं, उसकी दोस्तियां कैसे लोगों से हैं। तो इन मुख्तलिफ तरीकों से आदमी पता लगा सकता है कि वो क्या दीनदार है कि नहीं, अखलाकमंद है कि नहीं। वरना उसका ऐसा कोई फिक्स तरीका नहीं है कि कोई मुफ्ती आपको बता दे कि ऐसा देख लेना, बस आपको पता चल जाएगा। हाँ, ये बताया जा सकता है कि क्या क्या देखें, जो स्ट्रीम में अल्हम्दुलिल्लाह शेख ने पिछले गुफ्तगू में किया है। बहुत सारे स्ट्रीम में आपने, शेख ने बताया है कि कौन सा मेयार देखें जिससे पता चलता है कि वो दीनदार है। दीनदारी का क्या मेयार है वो बताया है शेख ने, चाहे लड़की में हो चाहे लड़के में। आप लोग आसिम कोशिश भाई, करें कि मैं सबसे पहले कहता हूं कि अगर लड़की का बाप है, वो रिश्ता लेकर के कहीं गया है किसी लड़की लड़के के यहाँ, सबसे पहले तो पता करे कि वो नमाज पढ़ता है कि नहीं। उसे बैठा करके लड़के को अचानक उससे पांचों वक्त की नमाजों के औकात पूछ ले कि पांचों वक्त की आके अजाने जो है कितने बजे होती है आपके यहाँ, बताइए। और इस तरह की देखिए, तरीका सबका अलग अलग तरीका होता है, और ये चीजें जो तरीके तरीकों से और वसीलों से मुताल्लिक है, इसमें आप तहदीद नहीं कर सकते। आप हर आदमी को पता है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सेंस दिया है, उसको पता है कि किसी आदमी के बारे में कैसे पता करना है, उन तरीकों से पता करें। हम ये बता सकते हैं कि आप क्या क्या देखो। आप दीनदारी देखो मुकम्मल, हर तरह दीनदार, उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ कैसा है, उसका ताल्लुक बंदों के साथ कैसा है, उसका अपने माँ बाप के साथ, घर वालों के साथ, अपने दोस्तों अहबाब के साथ, जो भी उसके बिजनेस पार्टनर हैं जिनके साथ वो बिजनेस करता है, जिनके पास लेन देन करता है, उनके साथ उसके ताल्लुकात कैसे हैं, कैसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, इन सारी चीजों से आपको अंदाजा हो जाएगा। बाकी कई दफा ऐसा होता है कि आपको बजाहिर वो आदमी दीनदार लगेगा, इन सारी चीजों के पता करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगी कि बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में पता चलता है उसके उल्टा है। रिश्ता करते वक्त अगर लड़का ये कहता है कि, अगर उसको इंक्वायरी निकालने के बाद भी अगर उसको शक होता है और लड़का ये कहता है कि मुझे लड़की से कांटेक्ट करके बात करना है, दीनी टॉपिक पर सवाल करना है ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं ये दीनदार है या नहीं, तो उस तरह से परमिशन दी है ना इसके बारे में। और जिस बिल्कुल तरह से वो लोग परमिशन है कहते हैं कि उसे। भाई फोन का पर्दा, हाँ, अच्छा अगर देखिए यहाँ ये कहते हमने हैं कि इससे फोन का पहले पर्दा है, क्या यहाँ पर फोन है, फोन का पर्दा है। का पर्दा है। हाँ, फोन का पर्दा यहाँ पे हम कर सकते हैं बात, मतलब लड़का और लड़की बगैर महरम के सवाल जवाब अगर दीनी टॉपिक पर अल्लाह, क्या था कि हम अंदाजा। हमने इससे पहले जब इस स्ट्रीम की इब्तिदा की थी, वहां पर हमने इस मसले पर बहुत तफसील से बात किया कि कोई लड़का किसी लड़की से जब शादी करना चाहता है, उसको निकाह का पैगाम देना चाहता है, तो उसके लिए ना सिर्फ ये कि जायज है, बल्कि उसके लिए अफजल और मुस्तहब है कि उस लड़की को देखे। इसको नजरा शरईया कहते हैं। आम हालात में किसी अजनबी के लिए किसी अजनबी लड़की को देखना हराम है हमारी शरीयत में, लेकिन ये इतना बड़ा मसला है कि यहां पर हमारी शरीयत ने
हमको इजाजत दी है कि हम उसको देख सकते हैं। अगर उससे बात करके हमको लग रहा है कि उसके बारे में पता करने के लिए उससे बात करना भी जरूरी है, तो आप उससे बात भी कर सकते हैं। तो ये मुस्तस्ना है, एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे फूल के पर्दे की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उसके घर वालों से कहिए कि मैं लड़की को देखना चाहता हूं, या लड़की कहे मैं लड़की को देखना चाहती हूँ और उससे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। उन दोनों को के साथ जो है कोई मौजूद रहे, लड़की का कोई महरम मौजूद रहे और उसकी मौजूदगी में लड़की को देखे और उससे अगर कोई सवाल करना चाहता है तो भी कर सकता है। इसमें पर्दे का कोई मसला नहीं है। यहाँ पे शरीयत ने आपको पर्दे से निकल करके इजाजत दी है, क्योंकि ये अहम मसला है। इसलिए आप इस बात को दरमियान में ना लाए कि फोन का पर्दा है, पर्दे की जरूरत नहीं है। वो सामने जाकर के देख सकता है, बात कर सकता है, क्योंकि वो उस लड़की से शादी करना चाह रहा है और उसे इजाजत है। बल्कि उसके लिए बेहतर यही है कि वो देख करके तब रिश्ता करे। जी बहन, शेख इसमें एक बात और ऐड करना, मतलब कर दें आप, कि बसा औकात सिर्फ वो एक मरतबा देखना, एक मरतबा जाकर घर में रिश्तेदारों के सामने महरम की मौजूदगी में बात कर लेना, ये, या कि फिर हमेशा फोन पे लगे रहना, उसके बाद शॉपिंग करना, यहाँ जाना वहां जाना, इसकी परमिशन तो नहीं है ना? जी इसी टॉपिक पे बोल रही थी शेख में, कि फोन पर बात करते, फोन पर वो लोग बात करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि फोन का पर्दा है और वहाँ पे महरम मौजूद नहीं होता है। जिस तरह से हदीस है कि लड़का लड़की दोनों अकेले बात नहीं कर सकते, बीच में शैतान होता है तीसरा, और जब शैतान की वजह से फिर क्या होता है, बीच में दोनों के झगड़े हो जाते हैं और वो रिश्ता दीनदारी की बुनियाद पे हो रहा है लेकिन वो हो नहीं पाता, वहां पे टूट जाता है झगड़े। देखिए कई दफा ऐसा होता है, आम आदमी के सवाल का जवाब देना हाशिम भाई इतना मुश्किल काम है, इसलिए कि आप तो शरई नुक्ते नजर से जवाब दे रहे हैं, लेकिन बसा औकात आपकी बात से इस तरह से मफहूम समझ लिया जाता है जो कि एकदम गैर शरई होता है। देखिए शरीयत ने जो इजाजत दी है, शादी आप करना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं, आपको देखने की इजाजत है। क्यों देखने की इजाजत है? ताकि उस लड़की के सिलसिले में आपकी पसंद और नापसंद तय हो सके। आपने देखा, आपको लड़की नापसंद आई, खलास पीछे हट जाइए। आपने देखा, आपको लड़की पसंद आ गई, और ये जो देखने की इजाजत थी ये वक्ती तौर से थी। आपने देखा पसंद आ गई, मामला खत्म, अब नहीं देखना है जी। अब ये नहीं कि फोन पे लगे रहना है। वो देखिए हमने बताया कि असल हुक्म ये है कि उसके लिए अजनबी है वो, और ये अजनबियत हमारी शरीयत ने एक इसमें एक्सेप्शन रखा है, ये इस्तिस्नाई मसला है देखना। और जब देख करके वो मकसद हासिल हो गया तो वो जो असल हुक्म है वो दोबारा से फिर नाफिज हो जाएगा। वो दोनों अजनबी हैं, उनका फिर बार बार मिलना या उनका फोन पे लगे रहना ये जायज नहीं है। बेसिक बात आ रही है ना, दीनदारी को परखने के लिए, दीनदारी को परखने के लिए लोग रोजाना दीन की बातें करें अगर फोन में, नहीं ये भी गलत, बिल्कुल गलत। ये दीनदारी को परखने के लिए बेदीनी नहीं करनी है जी। आप दीनदारी परखना चाहते हैं और बेदीनी कर रहे हैं, ये जायज नहीं है, बिल्कुल भी जायज नहीं है ये। इससे जैसा कि बहन ने खुद बताया कि इससे कई दफा उनके दरमियान झगड़े होते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, तो इससे बजाय फायदा के तो नुकसान होता है। आप मुख्तसर एक लाइन में ऐसे समझें कि वो दोनों लड़का लड़की मगनी के बाद और देख एक बार देख लेने के बाद भी वो दोनों अजनबी हैं, जैसे मैं और आप इस वक्त हैं, उसी तरह से वो दोनों अजनबी हैं। आपको इससे आगे मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है कि वो दोनों मुकम्मल अजनबी हैं, उनके ऊपर तमाम अजनबियों के अहकामात ही लागू होंगे। शेख हमें इस बात का इल्म है, लेकिन शेख इसको बहुत इजी लेके लोग करते, आसान लेकर कि नहीं कुछ नहीं होता है, दीनदारी के ऊपर तो बात करने वाले। और जिस तरह से आपने कहा कि एक बार जब बैठक हो जाती है, जब एक बार देख लेते हैं और सवाल जवाब जो भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लड़का अगर ये कहता है कि नहीं मुझे और सवाल करने है, शक हो रहा है मुझे और सवाल नहीं कर रही है, उसे परमिशन नहीं दी जाएगी, साल भर महीने भर लगा रहे हैं उसकी दीनदारी चेक करने में जी। जैसे देखिए इतनी गुंजाइश है कि मान लीजिए कोई आदमी, किसी आदमी ने एक बार देखा, उसके घर गया,
उसके माँ बाप के सामने या किसी की हाजिरी में उसने लड़की को देखा, वापस आ गया, कहा कि मैं बताऊंगा डिसाइड करके, उसको फिर थोड़ा वसवसा तश्वीश हो रही है, वो कुछ फैसला नहीं कर पा रहा है और उसको लग रहा है कि यार मुझे एक बार फिर देखना चाहिए, अब मैं ठीक से देख नहीं सका या फला बात मुझे पूछनी थी वो पूछ नहीं सका, अब वो देख सकता है क्योंकि अभी उसने पसंद ना तो उसने रद्द किया है ना तो पसंद किया है, अब वो देख सकता है एक बार फिर वो देख सकता है। अगर उसका मकसद महरम की मौजूदगी में, हाँ बिल्कुल महरम की मौजूदगी में वो देख सकता है, फिर देख सकता है, सवाल भी अगर करना तो महरम की मौजूदगी में, बिल्कुल बिल्कुल महरम की मौजूदगी में वो सवाल कर सकता है, देख सकता है, एक से जायद बार देख सकता है, लेकिन इस इजाजत को जो बात मैं कर रहा हूँ, इस इजाजत को मुफ्ती साहब के फतवा को जरिया और वसीला ना बना लिया जाए हराम काम करने का कि फला ने तो ऐसा बताया है, ये इसलिए है कि उस लड़की को पसंद कर सके, लेकिन इसके लिए ये नहीं कि मुसलसल वो लोग मिल रहे हैं मुसलसल बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं, एक बार दो बार में जाहिर है, बिल्कुल अगर कोई आदमी हकीकत में माकूल आदमी होगा तो एक बार या हो सकता है दो बार उसको जरूरत हो जाए दूसरी बार देखने की, उसके बाद अगर वो कर रहा है तो झूठा है, वो गलत बोल रहा है, उसको 10 बार देखने की जरूरत नहीं है, एक बार दो बार में वो फैसला कर सकता है और फैसले पर पहुंचने के बाद उसको इजाजत नहीं है।